नीति वचन सात, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षाओं को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा और मेरी शिक्षाओं को अपनी आँख की पुतली जान। उनको अपनी उंगलियों से बांध और अपने हृदय की पट्टियों पर लिख ले। बुद्धि से कह, तू मेरी बहन है, और समझ को अपनी साथिन बना। तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। एक उदाहरण। मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोखे से झांका, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था और उसने उसके घर का मार्ग लिया। उस समय दिन ढल गया और संध्या काल आ गया, वरन रात का घोर अंधकार छा गया। और देखो, उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष वेश्या का सा, और वह बड़ी धुरत थी। वह शांति रहित और चंचल थी और अपने घर में न ठहरती थी। कभी वह सड़क में, कभी चौक में पाई जाती थी और एक एक कोने पर वह बाट जोतती थी। तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा और निर्जलता की चेष्टा करके उससे कहा, मुझे मेल बलि चढ़ाने दे, और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी की। इसी कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली और मैं तेरे दर्शन की खोजी थी और अभी पाया है। मैंने अपने पलंग के बिछोने पर मिस्र के बैल बूटे वाले कपड़े बिछाए हैं। मैंने अपने बिछोने पर अंगरस, अगर और दालचीनी छिड़की है। इसलिए अब चल, हम प्रेम से भोर तक जी बहलाएं, हम परस्पर की प्रस्ति से आनंदित रहें, क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है, वह दूर देश में चला गया है। वह चांदी की थैली ले गया है और पूर्णमासी को लौट आएगा। ऐसी बातें कहकर उसने उनको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया और अपनी चिकड़ी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल कसाई खाने को या बेड़ी पहने हुए कोई मूड ताड़ना पाने को जाता है। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से भेदा जाएगा। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर आवेग से उड़ रही है और न जानती हो कि उसमें मेरे प्राण जाएंगे। अब हे मेरे पुत्रो, मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर न फिरे और न उसकी डगरों में फूल कर जाना, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं और उसके घात किए हो कि एक बड़ी संख्या होगी। उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंचाता है।